डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 13 जुलाई 2022 को शुक्र यानी कि वीनस अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अपनी खुद की राशि यानी कि टॉरस को छोड़कर बुध की राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे और 7 अगस्त तक यहीं पर रहेंगे। शुक्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, ऐशो आराम, बहुत हद तक पैसे, लग्जरीज, प्यार, विवाह, इन सब के कहीं ना कहीं कारक होते हैं और जब भी उनका राशि परिवर्तन होता है तो हर जातक के जीवन पर प्रभाव पड़ता ही है। राशिफल कहाँ से देखें, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, लग्न से देखेंगे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इनकेस लग्न के बारे में कन्फर्म नहीं है, जो बहुत लोग नहीं होते, तो आप अपनी राशि से भी इसको देख सकते हैं। नाम राशि से तभी देखें यदि आपको कन्फर्म हो कि आपका नाम आपकी राशि आपके नक्षत्र के अनुसार पड़ा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं कि कैसा रहेगा शुक्र का राशि परिवर्तन मेष से लेकर मीन लग्न के जातकों के लिए। और इसकी शुरुआत हम करेंगे हमेशा की तरह मेष के साथ। मेष लग्न के जातकों के लिए जब शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तो आएंगे वो आपके तीसरे स्थान में, मिथुन राशि में। धन भाव के स्वामी हैं और सप्तम स्थान के स्वामी हैं। दूसरे स्थान से दूसरे स्थान में जा रहे हैं, सेकेंड हाउस से सेकेंड हाउस में। साफ बता रहा है कि पैसा तो आएगा लेकिन उसके लिए थोड़ी इस बार मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आपको प्राप्त होने वाली है। इसके साथ ही दान धर्म में काफ़ी पैसा आप देने वाले हैं। आपका मन करेगा कि कई जगह पर थोड़ा डोनेशन करें और ये चीज़ कभी कभी करना बहुत अच्छी भी रहती है। यात्राएं कर सकते हैं, धार्मिक यात्राओं का मौका भी मिल सकता है और ओवरऑल भी छोटी मोटी यात्रा आप कर सकते हैं, उसकी पूरी संभावना बन रही है। क्योंकि तीसरे भाव में है और एक सौम्य ग्रह है, एक शुभ ग्रह है, आपके व्यवहार में थोड़ी सौम्यता रहेगी, आपके कम्युनिकेशन में थोड़ी सौम्यता रहेगी। आपका यदि किसी के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने आसपास के सर्कल में कुछ वाद विवाद चल रहा था तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए सबसे अच्छा पीरियड रहेगा। इसके साथ ही जो लोग बिजनेस करते हैं स्पेशली, उनके लिए अच्छा समय रहेगा। भाग्य साथ में देगा और धन की प्राप्ति भी आराम से हो जाएगी। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय रहेगा। मेष लग्न के जातक जो लोग जॉब करते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स, कलीग्स के द्वारा परेशानी, छोटी छोटी रुकावटें, ये सब आपको बहुत तंग करने वाली है। स्टूडेंट्स के लिए ये जो राशि परिवर्तन है सबसे अच्छा फल देने वाला है, क्योंकि पंचम से ग्यारहवें में होगा तो जो भी मेहनत कर रहे थे उसके कहीं ना कहीं कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मैरिड लाइफ के लिए अच्छा समय है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी सॉर्ट आउट बहुत आराम से हो जाएंगी। भाग्य साथ देगा, घर वालों का साथ मिलेगा। जिनकी शादी टल रही थी, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम ही इस पीरियड में शादी हो जाएगी, लेकिन जो बात एकदम आके कहीं रुकी गई थी, अटकी गई थी, वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी और कुछ ना कुछ सकारात्मक आपको प्राप्त हो सकता है। ओवरऑल आपके लिए ये जो राशि परिवर्तन है अच्छा ही फल देता हुआ दिख रहा है। अगर मैं सेहत की बात करूँ तो यदि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है थोड़ा ध्यान दें। शोल्डर के आसपास के एरिया में कोई चोट लग सकती है, इसका भी आपको ध्यान देना है। और जोड़ों के दर्द भी आपको इस पूरे समय में बहुत तंग करेंगे। उपाय क्या करना है, लक्ष्मी जी के सम्मुख बैठकर, अगर उनके घर में मूर्ति है, नहीं है तो चित्र के सामने बैठकर, या मंदिर जा सकते हैं सबसे अच्छा है, वहाँ पर बैठकर आपको 4 घी के दिए उनको अर्पण करने हैं और लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ, आपके लिए शुक्र जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके धन स्थान में आकर, यानी कि दूसरे भाव में आकर बैठ जाएंगे। धन स्थान है, लग्न के स्वामी हैं। साफ बता रहा है कि ये धन योग बनता है। जो मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं कई बार बताता हूँ, लग्न के स्वामी धन स्थान में जाना, लाभ स्थान में जाना, पैसे आने के चांसेस बढ़ते ही हैं, बढ़ते ही हैं। और ऐसा ही आपके साथ होगा। अगले करीबन 3 हफ्तों के लिए शुक्र यहीं पर रहेंगे, 3 हफ्तों से थोड़ा ज़्यादा पीरियड ही है, तो धन आगमन के चांसेस होंगे, धन योग बन रहे हैं, अकस्मत धन लाभ हो सकते हैं। शुक्र क्योंकि आपके लिए लग्न के स्वामी हैं,
आप ना केवल धन अर्जित करेंगे, धन संचय करने के बारे में भी सोचेंगे, सेविंग्स के बारे में भी सोचेंगे, और ये भी सोचेंगे कि जो भी आपके पास पैसा है ऑलरेडी, उसको कैसे और अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएं, उसको कहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएं जहाँ से आपको अच्छे रिटर्न्स मिलें, और उसके बारे में भी आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। कुटुंब स्थान है लग्न के स्वामी का, कुटुंब स्थान में आना मतलब कि घर में यदि कुछ उलझने चल रही थी उनको सॉल्व किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि 16 तारीख तक, 15-16 तारीख तक सूर्य भी यहीं पे होंगे, तब तक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पीरियड हो सकता है, इसलिए अगर कुछ बड़ा डिस्कस करना है फैमिली में तब तक रुक जाइएगा, उसके बाद चलिएगा, उसके बाद चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। छठे भाव के भी स्वामी हैं, 2, 6, 10 ये जो भाव होते हैं ये अर्थ त्रिकोण होते हैं, साफ बता रहा है कि आपको पैसे की प्राप्ति तो इस पीरियड में शुक्र अवश्य करवा के जाएंगे, आपका कहीं पे पैसा रुका हुआ था वो आ सकता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी व्यक्ति आपसे पैसा मांगता है इस समय में, कोई आपका जानकार, कोई दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर, तो थोड़ा सा बचिएगा उससे, क्योंकि इस पीरियड में यदि आपने किसी को पैसा दिया संभावना बहुत ज़्यादा है कि वो पैसा वापस लेने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। मैरिड लाइफ के लिए समय अच्छा नहीं है, मैरिड लाइफ पे कंपैटिबिलिटी इश्यूज आएंगे, मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टनर सिचुएशन हो सकती है, मैरिड लाइफ में फिजिकल कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ईगो क्लैशेस होंगे और प्रायोरिटी नहीं रहेगा आपका रिलेशनशिप, ज़्यादा समय नहीं देना चाहेंगे ना ही दे पाएंगे, और उसके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है। स्टूडेंट्स जो जॉब ढूंढ रहे थे, भले फुल टाइम जॉब हो पार्ट टाइम जॉब हो, उनको इसमें कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। तो वैसे तो अच्छा ही दिख रहा है आपके लिए, जो 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स हैं जो लव लाइफ मैरिड लाइफ के लिए, उनका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेहत, दांतों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम दोनों ही तंग करेगी, अगर डेंटिस्ट का इशू बहुत समय से चल रहा है, नहीं जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास, चले जाइएगा, वरना आगे चलकर खर्चा भी बढ़ेगा और ज़्यादा तकलीफ भी होगी। उपाय क्या करना है, विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है, उसके बाद लक्ष्मी जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर उनकी एक बार आरती कीजिएगा, ये कर लीजिए उपाय, आपके लिए शुक्र अच्छे प्रभाव ही अवश्य देंगे। चलते हैं मिथुन यानी कि जेमिनी की तरफ, आपके लिए जब शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे आपके लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे। लग्न में शुक्र का आना, लग्न में बृहस्पति का आना, जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं मैं कई बार बता चुका हूँ, इनका लग्न में स्थापित होना कई दोषों का अंत करता है, और ऐसा ही आपके साथ होगा। एक शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, लग्न में आ रहे हैं मतलब कि रुकावटें दूर होंगी, कई कार्य आपके पूरे होंगे, ओवरऑल हर तरफ से हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 12वें स्थान के स्वामी हैं, ठीक है उनका अपना एक अच्छा प्रभाव होगा क्योंकि वो शुभ ग्रह हैं, लेकिन 12वें घर का स्वामित्व भी है। मैं कई बार कहता हूँ कोई भी ग्रह अच्छा और बुरा नहीं होता, वो उनका जो रोल है वो बदलता रहता है, एक क्लीन स्लेट से आप नहीं लिख सकते कि एक ग्रह अच्छा एक ग्रह बुरा है। अब वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लग्न में आकर बैठ रहे हैं, अच्छा प्रभाव देंगे नो डाउट, 12वें घर का भी स्वामित्व है, खर्चे बढ़ेंगे, तबीयत बिगड़ेगी, ऑलरेडी यदि तबीयत खराब चल रही थी तो ये समय जो है थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम देने वाला हो सकता है, स्पेशली 15-16 तारीख तक तो सूर्य भी यहीं पर है और बुध भी यहीं पर रहेंगे, 3 ग्रह हैं, तो वहाँ तक थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है तबीयत के हिसाब से, लेकिन ओवरऑल भी थोड़ी आपकी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो आपको तंग करने वाले हैं। बाहर से संबंधित कुछ जॉब करते हैं, इससे अच्छा समय नहीं हो सकता, 12वें घर के स्वामी हैं, MNC आदि में काम करते हैं, देश से बाहर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, प्रयास कर रहे थे, काम नहीं पूरे हो रहे थे, वो काम पूरे हो सकते हैं। राजयोग बनाएंगे क्योंकि त्रिकोण स्थान के स्वामी हैं, लग्न में बैठे हैं, त्रिकोण का लग्न से या फिर केंद्र से कभी भी मेल होता है तो राजयोग बनता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो लोग बिजनेस करते हैं अच्छा समय है, पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं ध्यान से कीजिएगा, कुछ ना कुछ चालाकी हो सकती है आपके साथ, इसके साथ ही पैसा तो आएगा लेकिन उसके साथ ही कोई ना कोई फेक डील, कुछ ना कुछ ऐसा भी आपके सामने आ सकता है जो आपको फंसाने के लिए हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय है क्योंकि पंचम से नवम में बैठ रहे हैं, तो यदि रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हो रहा था उनके लिए अच्छा समय है। जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि केतु है वहाँ पर, हो सकता है पिछले कुछ समय से प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो
उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी ये जो राशि परिवर्तन है वो अच्छा रहेगा। आप अपने डिफरेंसेस दूर कर सकते हैं। मैरिड लाइफ में ठीक ठाक समय है। कभी कभी तो एकदम बहुत सारा प्यार उमड़ेगा अपने लाइफ पार्टनर पर, और कभी कभी वही आपको अपने दुश्मन की तरह लगेंगे। तो थोड़ा मिला जुला सा समय है। तो ओवरऑल तो ये जो राशि परिवर्तन है अच्छा ही प्रभाव देता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, मैं बता चुका हूँ, प्रॉब्लम देंगे सर के रोग, आँखों के रोग, हॉर्मोनल डिसऑर्डर्स, और जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए ये समय थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा जाने वाला है। उपाय क्या करना है आपको? लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का, कोई भी मंत्र देख लीजिए लक्ष्मी जी का, जो आपको इजीली हो, जो आप कंफर्टेबल हो, उस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। और उसके बाद लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाइएगा, गाय के दूध की। ये कर लीजिएगा, आपके लिए जो राशि परिवर्तन है अच्छा प्रभाव देगा। हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए शुक्र रहेंगे 12वें स्थान में 13 जुलाई से। शुक्र का सबसे प्रिय स्थान यदि कोई है पूरी कुंडली में, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइन, वो है 12वां स्थान। मैं कई बार बता चुका हूँ, सबसे कंफर्टेबल होते हैं 12वें स्थान में, उनका अपना ही स्थान मान लीजिए। अब आपके लिए शुक्र यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। कैसी भी इच्छाएं हो, पर्सनल लाइफ की, प्रोफेशनल लाइफ की, फाइनेंशियली, वो इच्छाएं आपकी पूरी करके अवश्य जाएंगे शुक्र, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शुक्र आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी यानी कि 11वें घर के स्वामी हैं और 4थे घर के स्वामी हैं। 11वें घर के स्वामी 12वें में जा रहे हैं, दो मतलब हो सकते हैं। यदि बाहर से संबंधित कोई कार्य है पैसा कमाएंगे, लेकिन इसके साथ इसका दूसरा मतलब भी है, अगर बाहर से संबंधित कार्य नहीं करते, बाहर से संबंधित बिजनेस नहीं करते तो थोड़े लॉसेस हो सकते हैं। फॉरेन इन्वॉल्वमेंट आ गया आपके कार्य में तो पैसा अवश्य कमाएंगे। 4थे घर के भी स्वामी हैं, 4थे से जा रहे हैं 9वें में। स्थान परिवर्तन के बारे में सोच रहे थे तो कुछ अच्छा आपको प्राप्त हो सकता है। घर बदलना चाह रहे थे, अच्छा कुछ प्राप्त हो सकता है। चाह रहे थे अपनी प्रेजेंट प्रॉपर्टी बेचकर वो जो पैसा आएगा उसको कहीं और लगाकर कोई बड़ा और घर, कोई अच्छा घर ले लें, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। और वाहन प्राप्ति के लिए भी समय अच्छा है। जो भी चीज़ें आपकी रुक रही थी वो अब पूरी हो सकती हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि घर में कभी भी माहौल ख़राब होता है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी आप पर ही आएगी। ऑलरेडी केतु चल रहे हैं, हो सकता है घर के किसी सदस्य की तबीयत मानसिक एवं शारीरिक दोनों ही खराब चल रही हो, उन पे ध्यान दीजिएगा। और इस समय आपके घर वालों को आपकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इस चीज़ का भी आपने ध्यान देना है। वह स्टूडेंट्स जो देश से बाहर पढ़ाई के लिए जाना चाहते थे उनके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स एज सच आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ओवरऑल तो ये जो राशि परिवर्तन है ठीक ठाक ही प्रभाव आपके लिए दे रहे हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, दांतों के रोग, आँखों के रोग, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और फूड इन्फेक्शन, फूड से इन्फेक्शन आपको तंग करने वाला है। उपाय क्या करना है? लक्ष्मी जी के कोई भी 108 नाम एक बार सुनिए, उनका ध्यान करते हुए उच्चारण कर सकते हैं अच्छे स्वर के साथ। सब कुछ सही आपका प्रोनाउंसिएशन है तो कीजिएगा, नहीं तो केवल सुनिएगा, यही कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए शुक्र आके विराजमान हो जाएंगे 11वें स्थान में। आपके लिए 10वें घर के स्वामी हैं, आपके लिए 3रे घर के स्वामी हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, 11वां स्थान ऐसा स्थान है जहाँ पे हर ग्रह भौतिक जीवन के लिए अच्छे प्रभाव देता है। अब यहाँ पे शुक्र आ रहे हैं जो खुद एक भौतिक जीवन के कारक हैं, लग्जरीज, पैसा, ऐशो आराम, अच्छा समय। अच्छा समय की डेफिनेशन सबकी अलग होती है, लेकिन एक आम डेफिनेशन होती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है पैसे के हिसाब से। तो उनके लिए, उन सब चीज़ों की प्राप्ति के लिए समय बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ बहुत अच्छा प्राप्त आपको अवश्य होगा, इच्छा पूर्ति का भाव है। शुक्र एक तरह के इच्छा पूर्ति के कारक हैं, तो यहाँ पे आ रहे हैं तो कोई ना कोई इच्छा जो आपकी अटक रही थी बहुत समय से पूरी हो सकती है। कार्य स्थान के स्वामी हैं, दो चीज़ें बता रहा है, या तो कार्य में वृद्धि होगी यानी कि जहाँ पर भी काम करते हैं प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे, इंक्रीमेंट के बारे में सोच रहे थे, चाह रहे थे कुछ चीज़ें आगे बढ़े, उन सब में अच्छी चीज़ों की प्राप्ति होगी। नई जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब चेंज करना चाहते थे, उसमें भी नए ऑफर आएंगे। कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं लाभ स्थान में, यानी कि कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ लाभ तो आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही शुक्र 3रे भाव के स्वामी है, काम त्रिकोण को पूरा कर रहे हैं। 3, 7, 11 काम त्रिकोण है, एक काम त्रिकोण के स्वामी
दूसरे काम त्रिकोण में बैठे हुए हैं, ये भी साफ बता रहा है कोई ना कोई इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, बहुत सारी रुकावटें आपकी दूर होने वाली हैं। अच्छा रहेगा आपके लिए राशि परिवर्तन। पंचम स्थान को देखेंगे, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, स्टूडेंट्स के लिए समय तो अच्छा रहेगा लेकिन उनका ध्यान बहुत भटकेगा उन चीज़ों पर जिन पे एक स्टूडेंट का ध्यान नहीं जाना चाहिए। बिजनेस करते हैं बहुत अच्छा समय है। तो ओवरऑल तो आपके लिए राशि परिवर्तन पॉजिटिव रिजल्ट लाता हुआ दिख रहा है। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, जिनको हृदय की कोई प्रॉब्लम है थोड़ा सा इस समय पे ध्यान दें। आपके लिए उपाय यह है, आपको लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है, उसके बाद कपूर के साथ लक्ष्मी जी की 1 बार आरती करनी है और उनको मीठे पान का या फिर खीर का भोग लगाना है। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए शुक्र जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आके बैठ जाएंगे आपके कार्यस्थान में, 10वें घर में। शुक्र का वैसे 10वें घर में आना ठीक ठाक होता है, सौम्य ग्रह है तो कभी कभी चीज़ें थोड़ी आपके व्यक्तित्व के कारण, आपके लेड बैक एटीट्यूड के कारण अटक जाती हैं, अन्यथा तो क्योंकि शुभ ग्रह हैं तो अच्छा ही प्रभाव देते हैं। भाग्य स्थान के स्वामी हैं, धन कार्य स्थान में आ रहे हैं, मतलब कि कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा, जो कार्य अटक रहे थे आपके करियर में वो पूरे हो सकते हैं। इसके साथ ही धन स्थान के मालिक हैं, धन स्थान के स्वामी हैं, धन स्थान के स्वामी कार्य स्थान में आ रहे हैं। अब जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको पता ही होगा कि इससे क्या बनता है, इससे एक धनयोग बनता है कार्य क्षेत्र से, यानी कि आपके करियर से पैसा इस कार्यकाल में थोड़ा ज़्यादा आएगा, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी और उन अपॉर्चुनिटीज़ का आप कितना लाभ उठाते हैं ये आपके ऊपर है। देखिए ये सब उन्हीं के लिए है जिनके कार्य क्षेत्र में ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। अब किसी की कोई ऐसी जॉब है जिसमें इंसेंटिव्स नहीं होते, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, उनके लिए तो ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल होगा। अब जिनकी ऐसी, कई लोग ऐसे कार्य करते हैं जिसमें ओवर टाइम होता है, इंसेंटिव्स होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, काम अच्छा करते हैं तो उसका भी एक अप्रिशिएटिव बोनस मिलता है, उन सब के लिए ये जो पीरियड होगा वो बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस के लिए अच्छा समय है, मैं ये नहीं कह रहा बिजनेस में बहुत पैसा आ जाएगा, लेकिन कुछ इस कालखंड में ऐसा हो सकता है कि आपको बिजनेस में कोई नया ऑर्डर आ जाए, कोई नया ऑफर आ जाए जो आगे चलकर आपके जो धन में है बिजनेस के संदर्भ में वृद्धि अवश्य करेगा। स्टूडेंट्स ठीक ठाक समय है, कुछ अपॉर्चुनिटीज आते आते हाथ से निकल जाएंगी, वो थोड़ा सा आपको परेशान अवश्य करेंगी। मैं ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं कह रहा लेकिन ये भी नहीं कह रहा कि बहुत नेगेटिव है, अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से कोई ना कोई अवश्य निकलेगी। लव लाइफ की जहाँ तक बात है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अवश्य होगी, लव लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स और ईगो क्लैशेस दोनों ही होंगे। वैवाहिक जीवन, इससे पहले यदि चीज़ें खराब चल रही थी तो उसमें थोड़ा बहुत सुधार होता हुआ दिख रहा है, तो ओवरऑल तो आपके लिए ठीक है। हेल्थ के हिसाब से आपको जोड़ों के दर्द बहुत तंग करेंगे, आपको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, तो ये जो समय है थोड़ा मुश्किल जाने वाला है और लोअर बैक में भी आपको काफ़ी दर्द रहेगी और चेस्ट संबंधित भी कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। उपाय क्या करना है, आपको लक्ष्मी जी की 1 बार आरती करनी है और उसके बाद उनके सम्मुख आपको 4 घी के दिए अर्पण करने हैं, यही कर लीजिएगा, ये करके आपके लिए अच्छा प्रभाव रहेगा शुक्र के राशि परिवर्तन। तो हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए शुक्र जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आएंगे आपके भाग्य स्थान में 9th हाउस में, साफ पता चल रहा है कि भाग्य का साथ मिलेगा, अच्छा जाएगा ये कालखंड। लग्न के स्वामी जब भी अच्छी पोजीशन में आते हैं, 1, 5, 9, 10वें भाव में, 11वें भाव में, बाकी चीज़ें थोड़ा बहुत अफेक्ट ज़रूर करती हैं लेकिन यूजुअली अच्छे प्रभाव देते हैं। 9th हाउस में है भाग्य स्थान में, जैसा मैंने कहा भाग्य में वृद्धि होगी, खुद लग्न के स्वामी हैं तो जो भी लाइफ में रुकावटें आ रही थी उनको दूर करने के लिए भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा। अगर घर के किसी बड़े सदस्य से कुछ नोकझोंक हो गई थी तो उनको या उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज आएंगी लेकिन आपका अपने मैनेजमेंट से, अपने बॉसेस से वाद विवाद होगा, ईगो क्लैशेस होंगे। यदि आपके साथ कुछ अच्छा होता है इस समय में, शायद आपके इमीडिएट बॉस को वो अच्छा ना लगे। एक जेलेसी का फैक्टर बहुत होता है, स्पेशली कॉरपोरेट सेक्टर में जो आपके इमीडिएट बॉस होते हैं, यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कॉरपोरेट में या आज के समय में जो भी बड़ी बड़ी प्राइवेट फर्म्स होती है उसमें किसी की पोजीशन पक्की नहीं होती। अगर आपका जूनियर आपसे अच्छा करने लग गया तो
बहुत संभावना है कि कुछ समय में वो आपसे ऊपर भी पहुंच सकता है। तो ऐसी कुछ स्थितियां बनी रहेंगी। शुक्र आपके लिए लग्न के साथ साथ अष्टम के भी स्वामी है। अब ये दोहरी तलवार है, दोधारी तलवार है। अब इसमें भाग्य कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत आपका साथ तो देगा, लेकिन जीवन में अनिश्चितता भी आएगी, क्योंकि शुक्र है तो हो सकता है लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आए, बातें बनती बनती बिगड़ जाएं। लव लाइफ थी आपकी रिलेशनशिप की तरफ, जो आप रिलेशनशिप में हैं और शादी की तरफ बढ़ना चाहते थे, बात बनेगी लेकिन फिर रुक जाएगी और उसमें कुछ अनिश्चितता आ जाएगी। लव लाइफ के लिए ठीक ठाक समय है, मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय रहेगा, उसमें थोड़ी बहुत रुकावटें, थोड़ी बहुत अनिश्चितता आ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, नो डाउट स्टूडेंट्स का भाग्य साथ अवश्य देगा और कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है। जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए भी ये समय लाभकारी दिख रहा है। ओवरऑल तो अच्छा ही है, जैसे मैंने कहा लग्न के स्वामी 9th में है, अच्छा प्रभाव देंगे। उपाय क्या करना है आपको? लक्ष्मी जी को किसी भी सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना है और उसके बाद लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। कोई भी मंत्र जो आपको कंफर्टेबल हो उसका 108 बार जाप कर लीजिएगा, अच्छा रिजल्ट मिले। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए शुक्र जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आ जाएंगे अष्टम में, 8वें घर में, अनिश्चितताओं का घर है। लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि शुक्र आपके 12वें घर के स्वामी हैं और 7वें घर के स्वामी हैं। 12वें घर के स्वामी अष्टम में विपरीत राजयोग, 6, 8, 12 के स्वामी यदि इनमें से किसी भी भाव में होते हैं तो बनता है विपरीत राजयोग। तो अब जब विपरीत राजयोग बन रहा है, शुक्र के द्वारा बन रहा है, यानी कि क्या आपकी जो पर्सनल लाइफ में स्पेशली लव लाइफ में बातें अटक रही थी, पूरी नहीं हो रही थी, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी। लव लाइफ मैरिड लाइफ को ठीक करने का समय है। जिनकी भी इन दोनों एरियाज़ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, आप उसको बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। 12वें स्थान के स्वामी हैं, अष्टम में हैं, देश से बाहर जाने का प्लान कर रहे थे, चीज़ें आपके विरुद्ध ही जा रही थी, ये जो 3-3.5 हफ्ते का समय है इसमें चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। जो लोग MNC में काम करते हैं, 16 तारीख तक का ये जो 3-4 दिन का समय है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे होंगे, 10वें घर के स्वामी हैं। आपके कुछ काम अटक रहे थे प्रमोशन आदि के, उनको पूरा कराने का प्रयास कीजिएगा। पैसा रुक रहा था, इंक्रीमेंट्स रुक रहे थे, वो पूरे हो सकते हैं क्योंकि 10वें स्थान के स्वामी हैं यहाँ पर। थोड़ी बहुत अनिश्चितता जीवन में अवश्य आएगी, लेकिन उनको आप बहुत आराम से हैंडल कर लेंगे, क्योंकि इस समय आपके खुद लगने के स्वामी भी विपरीत राजयोग बना के बैठे हैं, तो ज़्यादा अनिश्चितताएँ आपको तंग कर नहीं पाएंगी। शुक्र देख रहे हैं धनस्थान को, अकस्मत धन लाभ के योग अवश्य बनेंगे। अचानक से जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती है उनके लिए पैसा कहीं ना कहीं से आ सकता है। शुक्र क्योंकि 7वें घर के भी स्वामी है, अब ये भी दो चीज़ बता रहा है, पैसा तो बिजनेस में आएगा लेकिन साथ ही साथ थोड़ा निकल भी जाएगा, मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली बात तो नहीं करा, प्रॉफिट तो होगा लेकिन खर्चा भी थोड़ा सा आपका बढ़ेगा। थोड़ा सा ध्यान दें कुछ नया करने से बचे जहाँ पे बहुत बड़ा पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो। तो ओवरऑल तो आपके लिए ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन है अच्छे रिजल्ट ही देता हुआ दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनको कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। ओवरऑल भी स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक समय है, लेकिन कहीं कहीं पर आपके कार्य अटक जाएंगे, वो भी आपकी गलती के कारण, क्योंकि आपका ध्यान हट जाएगा। अगर मैं सेहत की बात करूँ तो आँखों के रोग, इंटेस्टाइन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम और कोई पुराना रोग आपको वापस तंग कर सकता है। उपाय क्या करना है आपको? लक्ष्मी जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है और फिर उसके बाद लक्ष्मी चालीसा का एक बार पाठ करके एक बार लक्ष्मी जी की आरती करनी है कपूर के साथ। अब चलते हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस की तरफ। आपके लिए शुक्र 7वें स्थान में स्थापित हो रहे हैं। अब आपके लिए 6ठे भाव के स्वामी हैं, 11वें भाव के स्वामी हैं। एक भाव तो बहुत अच्छा है 11वां भाव, दूसरा भाव 6ठा भाव, यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, शादी के कारक हैं बहुत हद तक, तो शादी की बातें थोड़ी बहुत तो आगे बढ़ेंगी। जब ये राशि परिवर्तन होगा यानी कि 13 तारीख को, आपको लगेगा कि हाँ चलो अब चीज़ें सही तरह से आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि शुक्र हैं, लाभ स्थान के भी स्वामी हैं, लेकिन 6ठे भाव का भी अपना स्वामित्व अवश्य देंगे। बातें बनते बनते बिगड़ जाएंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपकी शादी के संबंध में, उनके लिए कह रहा हूँ जिनकी शादी की बात चल रही है, डेट्स निकलनी है, सब कुछ निकलना है, उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जिनके
जो रिश्ता देख रहे थे उनके लिए भी चीज़ें थोड़ी डिले होंगी, बात बनती बनती बिगड़ेगी। इस पूरे कालखंड में बात बनती बनती कई बार आपकी बिगड़ेगी। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक समय थोड़ा रहेगा, काफ़ी वाद विवाद होंगे। आकर्षण तो रहेगा, फिजिकल कंपैटिबिलिटी रहेगी, इंटीमेसी रहेगी, लेकिन फिर भी बाकी सारे चीज़ों में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अच्छा उनके लिए होगा जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, और ये समय रहेगा अपनी मैरिड लाइफ को सुलझाने का। इसमें यदि आप थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो दूर बहुत हद तक हो सकती है। लाभ स्थान के स्वामी हैं, सातवें में आ रहे हैं, 3, 7, 11 तीनों ही काम त्रिकोण है, मतलब कि कोई ना कोई इच्छा आपकी पूरी होगी। बिजनेस करते हैं बहुत अच्छा समय है, लाभ होगा। जॉब करते हैं प्रॉब्लम्स आएंगी, स्पेशली यदि पब्लिक डीलिंग से जुड़ी कोई जॉब करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, उनसे इंटरेक्ट करना पड़ता है, उनसे डीलिंग करनी पड़ती है, तो ये समय थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है। आपको अपने बॉसेस की तरफ से भी थोड़े बहुत इश्यूज़ झेलने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा प्राप्त करेंगे। हायर स्टडीज़ करते हैं नवम से ग्यारहवा, कुछ ना कुछ अच्छा आपको ये राशिफल, ये जो राशि परिवर्तन है अवश्य देके जाएगा। तो ओवरऑल आपके लिए ठीक ठाक ही दिख रहा है ये राशि परिवर्तन। अगर मैं सेहत की बात करूं तो महिलाओं में स्पेशली इस समय हार्मोनल डिसऑर्डर ज़्यादा तंग करेंगे, पुरुषों को भी कर सकते हैं, महिलाओं में थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस रहेगा। आपको यदि महिलाओं में यूट्रस संबंधित कोई प्रॉब्लम है, पुरुषों में प्रोस्टेट संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो भी थोड़ी दिक्कत ज़्यादा रहेगी। तो ओवरऑल ठीक ठाक दिख रहा है। उपाय क्या करना है, आपको लक्ष्मी जी के सम्मुख 2 तिल के तेल के दिए और 2 घी के दिए जलाने हैं, और चारों दियों में आपको एक एक इलायची का डाला डाल लेना है, और फिर लक्ष्मी जी की आरती करनी है। उपाय कर लीजिएगा, आपको अच्छे रिजल्ट अवश्य प्राप्त होंगे। ते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की तरफ। आपके लिए जब शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तो आ जाएंगे आपके 6ठे स्थान में, 6th हाउस में। शुक्र आपके लिए 10वें घर के स्वामी हैं और 5ठे स्थान के स्वामी हैं। कई बार बता चुका हूँ आपके लिए योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह मतलब कि यदि आपका अच्छा कोई योग बन रहा है, ऑलरेडी कुंडली में चल रहा है, तो जब इनकी दशा या गोचर अच्छा होता है या कुछ ना कुछ प्रभाव होता है तो वो योग और प्रबल हो जाते हैं, लेकिन वैसे भी अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। अब आपके 6ठे भाव में है, 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण, कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने का चांस है। कार्यक्षेत्र में कुछ ना कुछ आपको अच्छा अवश्य इस समय में प्राप्त होगा, कुछ ना कुछ बहुत ही पॉजिटिव अचानक से आ जाएगा। हाँ, थोड़ा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा, लेकिन आप हर चीज़ को फेस करते हुए आगे बढ़ पाएंगे, शुभता ही आपको प्राप्त होगी। कुछ ऐसा कार्य करते ही हैं जहाँ पे कंपटीशन का लेवल हाई रहता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, पैसा आता हुआ दिख रहा है कार्यक्षेत्र से। बचिएगा तो अपने ऑफिस पॉलिटिक्स से बचिएगा, क्योंकि उसका शिकार आप अवश्य होंगे। जो भी आपके कलीग्स हैं, जो आपको लगता है कि आपके दोस्त हैं, आपके शायद वो दोस्त ना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ व्यक्ति जो आपके कलीग्स हैं, आपसे आपके हितैषी बनते हैं आपके मुख के सामने, जैसे ही आपकी पीठ होगी वो आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा अवश्य बोलेंगे, ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार बन सकते हैं। 5ठे के स्वामी हैं, आपके बच्चों के लिए समय अच्छा नहीं है, आपके बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके बच्चों को कोई डिजीज तंग कर सकती है, उनको चोट भी लग सकती है। लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, दोनों के लिए समय अच्छा नहीं है, दोनों में ही प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही हैं। कई जगह पर वाद विवाद होंगे, कंपैटिबिलिटी इश्यूज होंगे, फिजिकल कंपैटिबिलिटी की भी प्रॉब्लम रहेगी, और वो भी चीज़ें आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया जाता है जो फिज़िकल कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम है, लेकिन आजकल यही चीज़ें बहुत हद तक आगे चलकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, इवन डाइवोर्स तक का इसमें डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर भी काम कीजिएगा, अगर ऐसा इशू चल रहा है तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर लीजिएगा। बहुत कंफ्यूज रहेंगे कई जगहों पर, आपकी थिंकिंग बहुत इधर उधर दौड़ेगी। कभी कभी आपको जीवन थोड़ा नकारात्मक ज़्यादा लगने लग जाएगा, क्योंकि शुक्र हैं एक ऐसे ग्रह हैं जो अच्छा फील करवाते हैं, करवाना चाहते हैं, लेकिन 6ठे में रहेंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सेहत के लिए भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। स्टूडेंट्स जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय अवश्य रहेगा। बिजनेस में भी लॉसेस हो सकते हैं। तो ओवरऑल थोड़ा सा नकारात्मक आपके लिए दिख रहा है। बस जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए थोड़ा अच्छा रिजल्ट अवश्य प्राप्त होगा। उपाय क्या करना है, लक्ष्मी जी के सम्मुख 5 घी के दिए अर्पण कीजिएगा। हर
दिए में आपको एक एक लौंग का दाना डाल लेना है, और उसके बाद लक्ष्मी सहस्र नाम, लक्ष्मी जी के 1000 नाम सुनिएगा, उनके सामने बैठकर उनका ध्यान करते हुए आपको अच्छे रिजल्ट अवश्य प्राप्त होंगे। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए जब शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके पंचम स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे। आपके लिए एक योग कारक का काम करते हैं, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस दोनों के लिए ही शुक्र योग कारक हैं। अब योग कारक ग्रह का पंचम में आना बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ ही वो दो राजयोग बना रहे हैं, चौथे के स्वामी पंचम में यानी कि केंद्र के स्वामी पंचम में त्रिकोण में राजयोग, खुद एक त्रिकोण के स्वामी हैं, दूसरे त्रिकोण में जा रहे हैं राजयोग, दो राजयोग बन रहे हैं, तो आपके लिए तो ये जो राशि परिवर्तन है अच्छा प्रभाव देता हुआ दिख रहा है। योग कारक हैं, जो कार्य अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं, क्योंकि 1-5-9 जब लग्न से संबंध आ जाता है, त्रिकोण स्थान है, तो पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में जो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, जो काम अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, और इसके साथ ही यदि रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी वो दूर हो सकती हैं। अपने रिलेशनशिप को, अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को शादी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, उसके लिए भी गोल्डन पीरियड है, आराम से चीज़ें आपकी ठीक हो सकती हैं। मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय है, और यदि आपकी शादी टल रही थी, मतलब कि शादी की डेट्स नहीं निकल रही थी, कुछ ना कुछ विघ्न आए जा रहे थे, तो उन लोगों के लिए भी जो शुक्र का राशि परिवर्तन है ये बहुत अच्छे रिजल्ट देके जाएगा। बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए राशि परिवर्तन, लाभ होगा, लाभ स्थान को देख रहे हैं, नवम स्थान के स्वामी हैं, आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, कोई धार्मिक अनुष्ठान घर में कराने के लिए सबसे अच्छा समय है, किसी धार्मिक स्थल पर जाने के लिए सबसे अच्छा समय है। जो लोग जॉब करते हैं उनको प्रॉब्लम होगी, अनिश्चितता आएगी कार्य क्षेत्र में, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार बनेंगे, स्पेशली यदि कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होगा, सकारात्मक ही दिख रहा है। सेहत के हिसाब से जोड़ों की प्रॉब्लम, चेस्ट संबंधित कोई प्रॉब्लम, कफ रोग और लोअर बॉडी में थोड़ा प्रॉब्लम रह सकता है। उपाय क्या करना है, लक्ष्मी जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है और 3 तिल के दिए उनको अर्पण करने हैं। हर दिए में कुछ अक्षत डाल लीजिएगा, यानी कि चावल, पूरे चावल डाल लीजिएगा, और उसके बाद एक बार उनकी आरती करनी है। ये उपाय कर लीजिएगा, अच्छे प्रभाव। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए शुक्र राशि परिवर्तन करके आपके चौथे स्थान में आकर बैठ जाएंगे और 7 अगस्त तक यहीं पर रहेंगे। शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है, मैं कई बार बता चुका हूँ। आपके लिए शुक्र अच्छे रिजल्ट देते हैं, भले ही उनका 8वें का स्वामित्व हो, लेकिन क्यों, मैं कई बार ये रूल बता चुका हूँ, जिस भी लग्न में कोई ग्रह उच्च का होता है वो ग्रह उस लग्न के लिए अच्छे प्रभाव देता है। फॉर एग्जाम्पल शुक्र मीन में उच्च के होते हैं, तो मीन लग्न के जातकों को अच्छा प्रभाव देके जाते हैं। सूर्य मेष में उच्च के होते हैं, अच्छा प्रभाव देते हैं। शनि तुला में उच्च के होते हैं, अच्छा प्रभाव देते हैं। ये एक रूल समझ लीजिएगा। तो शुक्र आपके लिए चौथे घर में आ रहे हैं, मतलब कि घर में खुशियाँ आएंगी, घर में कुछ विवाद चल रहे थे दूर होंगे, प्रॉपर्टी कुछ विवाद चल रहे थे दूर होंगे। हाँ, लेकिन अष्टम का स्वामित्व तो रहता ही है, कोशिश कीजिएगा चीज़ों को सिंपल रखें, कुछ बहुत नया करने की कोशिश मत कीजिएगा, स्पेशली जब आपके घर की बात हो, फैमिली की बात हो, चीज़ों को सिंपलिसिटी के साथ आगे बढ़ाएंगे ठीक रहेगा। तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, चौथे भाव में आ रहे हैं, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ वाद वाद चल रहे थे उनको सुलझाने के लिए अच्छा समय है। इसके साथ ही हो सकता है अपने होम टाउन या जहाँ पे भी आपके जड़े हैं उस जगह पर वापस जाने का आपको एक ना कोई मौका प्राप्त हो जाए। कई लोग होते हैं काम कहीं करते हैं, अपना जो भी उनका गांव होता है वहाँ से दूर रहते हैं लेकिन जा नहीं पाते, तो इस पूरे कालखंड में अचानक से आपके योग बन सकते हैं कि आप अपने किसी गांव में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर जा पाएंगे। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत कीजिएगा इस समय, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, चीज़ें आपकी अटक सकती हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, प्रॉब्लम्स रहेंगी, लव लाइफ में वाद विवाद रहेंगे, फिजिकल इंटीमेसी रहेगी लेकिन बाकी सारे एस्पेक्ट्स में वाद विवाद आपको झेलने पड़ेंगे। मैरिड लाइफ के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं है, ईगो क्लैशेस होंगी, एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे, मैं बड़ा या तुम बड़ी या मैं, ये सब चीज़ें बहुत तंग करने वाली हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनको कुछ अच्छा प्रभाव प्राप्त हो सकता है, स्पेशली कॉरपोरेट सेक्टर में, और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्तम से 10वें में बैठे हैं
तो बिजनेस में कहीं से अचानक से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय नहीं है, स्टूडेंट्स का ध्यान भटकेगा, कुछ उनके चीज़ें अटक सकती हैं। तो ओवरऑल ये जो राशिफल है ये ठीक ठाक प्रभाव दे रहा है। सेहत की जहाँ तक बात करूँ, कफ रोग, चेस्ट के रोग और कोई इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी जी को मीठे पान का भोग लगाकर और खीर का भोग लगाकर लक्ष्मी सहस्रनाम एक बार सुनना है। ये कर लीजिएगा, आपको अच्छे रिजल्ट अवश्य प्राप्त होंगे। तो ये था शुक्र राशि परिवर्तन पर मेरा एक राशिफल, मेरा एक विश्लेषण। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए।